हेलो एवरीवन, और आज की अपनी जो वीडियो है ये अपनी पूरी वीडियो होने वाली है नॉर्मा वर्टिकालिस के ऊपर। और इस नॉर्मा वर्टिकालिस को अच्छी तरीके समझाने के लिए मैं आपको इसको पूरे ऐसे चार्ट से समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या बोन है, कौन से फ्यूचर हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका वायवा पॉइंट कि कौन कौन से इसके अंदर फीचर होते हैं, क्योंकि आपको वायवा वगैरह में यही पूछेंगे। इसलिए आप पूरी बोन जो है चार्ट से प्रिपेयर करना, बहुत इजीली तरीके से तुम अपना वायवा दे सकते हो। फिर ये पूरा तुम्हें जो बोन का चार्ट है वीडियो की एंड में मिल जाएगा, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी तुम जा सकते हो, वहां पे तुम ये एचडी क्वालिटी में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने नॉर्मा वर्टिकालिस के ऊपर कि नॉर्मा वर्टिकालिस होता क्या है। तो ये जो आप पूरा स्कल बोन देख रहे हो ना, आप ये जो आपने जो स्कल बोन जो देख रहे हो, ये स्कल बोन का ये सुपीरियर पोजिशन से जब अपन स्कल बोन देखते हैं ना, तो उसे ही अपन बोलते हैं नॉर्मा वर्टिकालिस। तो टोटल अपन ने क्या करा, अपने स्कल बोन को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए टोटल अपन इसको पांच पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जब अपन इसको ऊपर से देखेंगे सुपीरियर, तो उसे अपन बोलते हैं नॉर्मा वर्टिकालिस। जब अपन इसको पीछे से देखते हैं, मतलब ये वाला पूरा जो इसका पोजीशन जो है, ये जो व्यू है अपना पोस्टीरियर से, उसे अपन बोलते हैं नॉर्मा ऑक्सिपिटालिस। वहीं अगर अपन इसे फ्रंट से देखेंगे, तो अपने स्कल बोन के फ्रंट व्यू को अपन बोलते हैं नॉर्मा फ्रंटालिस। लेटरल वाले व्यू को अपन बोलते हैं नॉर्मा लेटरालिस। और इसका जो इन्फीरियर वाला पार्ट होता है नीचे वाला, उसे अपन बोलते हैं नॉर्मा बेसालिस। तो आज अपन अपने पूरे स्कल बोन को जो है सुपीरियर व्यू से देखने वाले हैं यहां से, तो इसी चीज को अपन बोलते हैं नॉर्मा वर्टिकालिस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि नॉर्मा वर्टिकालिस का शेप कैसा है। अगर आप ये ध्यान से देखो तो नॉर्मा वर्टिकालिस का जो शेप है वो अपना थोड़ा सा होता है ओवल शेप में। अगर आप देख रहे हो तो ये अपना ओवल है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो पीछे की तरफ पोस्टीरियरली ये अपना इंटीरियर साइड है और ये अपना पोस्टीरियर साइड है। तो अपने पोस्टीरियरली ये जो है थोड़ा वाइड है एज कंपेयर अपन करें एंटीरियर से। फिर अपन बात करते हैं इसमें कौन कौन सी बोन आ रही हैं। तो टोटल इसमें अपनी मेन चार बोन आ रही हैं, एक अपनी है बड़ी सी फ्रंटल बोन, दो पेराइटल बोन और एक अपनी ऑक्सीपिटल बोन। तो टोटल अपने नॉर्मल वर्टिकालिस में आती है फ्रंटल बोन, दो पेराइटल बोन और एक ऑक्सीपिटल बोन। फिर अपन बात करते हैं कितने फ्यूचर आ रहे हैं। तो मेनली इसके अंदर तीन फ्यूचर आ रहे हैं। सबसे पहला अपना ये रहता है कोरोनल फ्यूचर। अगर आप ये देखो, ये जो आपको फ्यूचर देखने के लिए मिल रहा है ना, इसे अपन बोलते हैं कोरोनल फ्यूचर। अगर मैं आपको एक बार और दिखाऊं इस तरह फ्रंट व्यू से, तो आप ये देख सकते हो ये जो कोरोनल फ्यूचर जो है वो क्या कर रहा है, अपने इस पूरे फ्रंटल बोन को दो पेराइटल बोन से सेपरेट कर रहा है। मैंने यहाँ साइड में भी लिखा है कि अपना कोरोनल फ्यूचर जो है अपना फ्रंटल बोन और दो पेराइटल बोन के बीच में प्रेजेंट है, इसको अपन बोलते हैं कोरोनल फ्यूचर। देन एक अपना सेजाइटल फ्यूचर है, ये सेजाइटल फ्यूचर जो है दो अपने पेराइटल बोन के बीच में है। फिर अपना पीछे की तरफ अपना ये जो फ्यूचर आपको दिख रहा है, इसे अपन बोलते हैं लैम्बॉइड फ्यूचर। तो टोटल आपके नॉर्मल वर्टिकालिस में तीन मेन फ्यूचर आपको देखने के लिए मिलते हैं, एक अपना होता है कोरोनल फ्यूचर, देन एक सेजाइटल फ्यूचर और दो अपने लैम्बॉइड फ्यूचर। फिर अपन बात करते हैं यहाँ की यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पे। तो यहाँ पे मेनली यार तुम देखो तीन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऊपर के फीचर। सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रैग्मा। तो ब्रैग्मा क्या होता है, तो ब्रैग्मा इस पॉइंट को अपन बोलते हैं जहां पे ये जो कोरोनल फ्यूचर और सजाइटल फ्यूचर जो मीट कर रहा है ना, ये अपना कोरोनल फ्यूचर है, ये अपना सजाइटल फ्यूचर है, यहाँ पे ये जो दोनों फ्यूचर मीट कर रहे हैं इसी पॉइंट को अपन बोलते हैं ब्रैग्मा। तो डायरेक्ट आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं सर कि ब्रैग्मा क्या होता है, तो आप बता देना सर जहां पे कोरोनल सजाइटल फ्यूचर मीटिंग पॉइंट होता है उसे अपन बोलते हैं ब्रैग्मा। फिर अपना होता है पेराइटल एमिनेंस, दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर। पेराइटल एमिनेंस देखो क्या होता है, ये जो अपनी पेराइटल बोन है ना, उसमें तुम्हें मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी दिख रही होगी यहाँ पे। मतलब डायरेक्ट अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूं, पेराइटल बोन में जहां पे आपको एक उभार देखने को मिले ना सबसे ज्यादा, जैसे कि ये है, उसे अपन बोलते हैं पेराइटल एमिनेंस। तो पेराइटल एमिनेंस क्या है, अपने पेराइटल बोन का वो वाला एरिया जहां पे आपको मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी देखने को मिल रही है, मतलब एक उभार देखने को मिल रहा है, तो ये है पेराइटल एमिनेंस। और मेनली फ्रैक्चर वगैरह जो है पेराइटल बोन में वो यहाँ ही कॉमनली होते हैं। फिर अपन बात करते हैं सर वर्टेक्स क्या होता है। तो अपने स्कल बोन का जो मैक्सिमम पॉइंट होता है ना, हाईएस्ट पॉइंट, उसे अपन बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये मेन इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स थे अपने नॉर्मल वर्टिकालिस के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे एक पेराइटल फोरामेन भी है, वो मेनली ये जो अपना सजाइटल फ्यूचर है ना उसी के साइड में प्रेजेंट होता है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ऊपर मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा। ये मेन तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको इसी तरीके से सारे जो नॉर्मल्स हैं वो याद करने हैं, और ज्यादा अच्छा यही होगा कि तुम इस तरीके से चार्ट के फॉर्म में करो, तुम बहुत इजीली तरीके से याद हो जाएंगे। अपनी सेकंड वीडियो होने वाली है नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस के ऊपर, और इस वीडियो की लिंक जो है
आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी। और इसी तरीके से सारी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।